मैं संदीप और ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है और मैंने सोचा कि अपना फर्स्ट ब्लॉग अपने काम से पहले स्टार्ट करूं, जैसे बोलते हैं ना काम को काम ही धर्म है। तो मैंने सोचा सबसे पहला ब्लॉग मैं अपने काम को लेके बनाऊं और मैं आपको धीरे धीरे इस अपने काम के बारे में सबको जानकारी दूंगा। अभी मैं जस्ट ऑफिस पहुँचा और थोड़ी देर के बाद मैं अपने सबसे पहला डिपार्टमेंट जो डिपार्टमेंट से काम स्टार्ट होती है पहले उस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज दूँगा, ठीक है। तो वो डिपार्टमेंट है सैम्पलिंग और मैं उसके बाद ही अपना अपने बारे में अपना डिपार्टमेंट के बारे में बताऊँगा कि उसमें क्या क्या होती है, ठीक है। और ये फर्स्ट ब्लॉग है तो जो भी चीज़ें अगर आप चाहते हैं कि मैं उस चीज़ में सुधारूँ तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं थोड़ी देर के बाद सैम्पलिंग में। यार सैम्पलिंग के तरफ जा रहे हैं, अभी हम लोग को मैं लोग को मैं नीचे लेके जा रहा हूँ जहाँ पे हमारी सैम्पलिंग डिपार्टमेंट है। अभी एक फैक्ट्री है हमारी सैम्पलिंग, तो शायद मैं सब चीज मिलेगी। जस्ट चलते हैं सैम्पलिंग में और थोड़ा बहुत आप लोग को इस ब्लॉग में थोड़ा बहुत ही जानकारी दे पाऊँगा, क्योंकि मैं भी अभी आप लोग के सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ूँगा। और इस ब्लॉग में मैं थोड़ा सा हो सकता है सर लोग अपना परफेक्ट ना आप लोग को अच्छे तरीके से दिखा पाऊँ, चीज़ें को अच्छे तरीके से कमेंट करके जरूर बताइए क्या और सुधार कर सकते हैं, ठीक है। हमारा सैम्पलिंग डिपार्टमेंट और ये हमारे पैटर्न मास्टर का नाम है जनरल सिंह, ये हमारे शकील भाई साहब सैम्पलिंग मास्टर के चेला और हमारे एक भयंकर कारीगर। शकील जरा अपने दर्शकों हमारे दोस्तों और दर्शकों को बताइए कि आप क्या करते हैं यहाँ पे और क्या क्या मशीन्स हैं और कैसे काम सैम्पलिंग में होता है, थोड़ा बहुत ही बस जानकारी दीजिए और आगे हम और भी गहराई में जाएंगे और बताएंगे कि और इसमें क्या क्या होती है। तो फिलहाल तो आप देख रहे हैं कि सैम्पलिंग में इतना ज़्यादा बड़ा यूनिट ज़्यादा बड़ा स्पेस में तो नहीं है, एक दो तीन चार पाँच छः मशीन्स हैं बस टोटल। अब ये काम कर रहा है, थोड़ा बहुत अभी जानकारी दो सकी भाई साहब ताकि लोग इस वीडियो को थोड़ा बहुत देख के जानकारी ले सकें कि एक्सपोर्ट में क्या क्या होती है। कुछ बोलो सर, थोड़ा सा मारा लड़का लेकिन टेंशन मत लीजिएगा आप, धीरे धीरे इसको हम हीरो बना देंगे। कुछ बोलना चाहते हैं कुछ भी? नहीं कुछ भी कोई बात नहीं। मैंने आपको पहले बताया था ना कि हमारा फर्स्ट ब्लॉग है तो हो सकता है शायद लोग अनकंफर्टेबल फील करें कि वीडियो में क्या बोलूँ नहीं बोलूँ, ये मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम है तो मुझे भी शायद थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आप कमेंट करके बता दीजिएगा मुझे। शकील कुछ तो बोलो, हाय हेलो, और अगले बार भी तैयार हो क्या ना कि क्या क्या कुछ बता पाऊँ। अभी तो फ़िलहाल ये क्या सील रहा है, ये टॉप का स्लीव सील रहा है। कुछ बोलना चाहते हो? तुम हंस रहे हो यार, बस खाली कुछ बोल दो, थोड़ा बहुत जानकारी दे दो कि कितने मशीन्स यूज़ होते हैं, कितने मशीन हैं। मैं जानकारी दूंगा वो अलग बात हो जाएगा, तुम बोलोगे तो ज़्यादा सही है। तुम बताओ कितने मशीन्स हैं यहाँ पे और क्या क्या मशीन्स हैं बस। अरे यार तुम बताओ ना यार जल्दी, क्यों इतना बताओ जल्दी। विकास को लेके आइए, विकास को सब विकास बताता है बढ़िया। कौन विकास बताता है? विकास। अरे यार तुम तो विकास क्षमा चाहते हैं दोस्तों आप लोग से, जो सामने वाला बंदा है वो अभी थोड़ा बहुत शर्मा के सब कुछ भूल गया है कि क्या बोलना है। फिलहाल तो मैं ही बता दे रहा हूँ, ठीक है, और कुछ गलत बता दिया तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। ये हमारा सिंगर का मशीन है और ये हमारा ओवरलॉक का मशीन है, और दो ओवरलॉक मशीन है, एक उधर फ्लैट लॉक है, एक इधर भी सिंगर का मशीन है, और ये हमारा बाइंडिंग वाला मशीन है, ठीक है। तो ये हम 6-7 मशीन पे ही सैम्पलिंग अपना चला रहे हैं और अभी फ़िलहाल हमारे पास अभी एक ही सैम्पलिंग टेलर है, अभी इसी से हम काम चला रहे हैं। तो जितनी जानकारी थी आप लोगों को मैंने दे दिया है और आज के लिए फ़िलहाल तो हम ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि अभी मेरे जिससे मुझे जानकारी चाहिए अभी वो भी थोड़ा अपना जानकारी बन रहा है।
समझ सकते हैं। बस ट्राई कर रहे हैं कि अभी जितनी ज़्यादा हो सके उतना आपको हम जानकारी दे पाएँ और लोग जो भी इस चीज़ से वाकिफ़ हैं चाहे अपनी उतना जानते हैं इसके एक्सपोर्ट में क्या होती है, कैसे जॉब होती है, क्या क्या होती है, तो थोड़ा बहुत हम कोशिश करेंगे कि आपको जानकारी दे सके। और उस चीज़ में अगर आप उस सेक्टर में अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो इजिली हमारे थ्रू आपको थोड़ा बहुत मिल जाएगा। तो आप बस कमेंट करते हैं या सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। और इसी के साथ हम आज के ब्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट तो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी के नॉर्मली हम अपने नेक्स्ट वीडियो को बनाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को दिखाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।